सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे, उसके लिए हम जाएंगे ब्राउजर ओपन करेंगे, यहाँ पर आप smartoffice.in वेबसाइट है वहाँ से आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर आप टाइप कर लीजिए www.smartoffice.in। इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप स्मार्ट ऑफिस डेस्कटॉप, स्मार्ट ऑफिस वेब, स्मार्ट ऑफिस ऑनलाइन, इन सब सॉफ्टवेयर के सेटअप फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम स्मार्ट ऑफिस डेस्कटॉप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड हो चुका है, तो हम जाएंगे डाउनलोड फोल्डर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट ऑफिस की जिप फाइल है, तो इसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो राइट क्लिक करेंगे एक्सट्रैक्ट हियर। यहाँ पर आपको दो फाइल एक्सट्रैक्ट हुई है, एक setup.exe फाइल है और एक smartoffice.msi फाइल है, तो हम setup.exe फाइल को राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट कर लीजिए। यहाँ पर उसने सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल का पाथ बाय डिफॉल्ट ले लिया है, अगर आपको चेंज करना है डेटाबेस के लिए, डेटाबेस के लिए कुछ अलग पाथ देना है तो आप यहाँ पर ब्राउज करके दे सकते हैं, मैं इसे सी ड्राइव में रखता हूँ बाय डिफॉल्ट में, और यहाँ पर एवरीवन सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पर फिर नेक्स्ट कर दीजिए। इसको क्लोज कर दीजिए, सेटअप आपका इंस्टॉल हो चुका है, अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा, वेबसाइट को भी बंद कर दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं डेस्कटॉप पे आपको इसकी शॉर्टकट आई है यहाँ पे, तो उसको ओपन करेंगे हम, राइट क्लिक करके मैं इसे ओपन करता हूँ। यहाँ पर लॉगिन नेम और पासवर्ड आपसे पूछ रहा है, तो लॉगिन नेम और पासवर्ड से पहले हम डेटाबेस की सेटिंग कर लेंगे, तो उसके लिए डेटाबेस सेटिंग को क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देखिए फाइल पाथ ब्लैंक दिखा रहा है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम ब्राउज करेंगे और वही फाइल पर जाएंगे जहाँ पर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, तो मैंने किया है सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल 86 में। यहाँ पर आपको स्मार्ट ऑफिस का फोल्डर दिखाई देगा, ये रहा, इसको ओपन कीजिए, फिर यहाँ पर स्मार्ट ऑफिस सूट और एक फोल्डर है उसको भी सिलेक्ट करके ओपन कीजिए, फिर उसके अंदर आपको स्मार्ट ऑफिस MDB फाइल मिलेगी, ये रही, इसमें की का सिंबल है, तो इस फाइल को सिलेक्ट कीजिए और ओपन कर लीजिए। ये आपकी डेटाबेस फाइल है, तो आप जो भी चेंजेस करेंगे सॉफ्टवेयर में या जो भी एंट्री करते हैं वो सब इसी फाइल में जाकर सेव होती है, तो इन फ्यूचर अगर कभी आपने PC फॉर्मेट कर दिया या सॉफ्टवेयर आपको रीइंस्टॉल करना पड़ा किसी भी कारण से, तो आपके आपको इस पाथ पर जाकर जो डेटाबेस फाइल है उसको कॉपी करके आपके पास रख लेना है। तो इससे होगा क्या कि जब भी आपको नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आपको जस्ट ये फाइल जो है वहाँ पर रिप्लेस कर देनी है, तो आपको जो डेटाबेस है वो एज इट इज आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, आपको वापस दोबारा रीएंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो ये फाइल पर यहाँ पे आ गई, इसको टेस्ट कनेक्शन कर लेंगे, कनेक्शन सक्सेसफुली ओके, सेव कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये डेटाबेस सेटिंग आपकी हो चुकी है। अब आप लॉगिन कर लीजिए, लॉगिन नेम है बायोमैक्स और पासवर्ड भी है बायोमैक्स स्मॉल लेटर्स में, तो इसको हम लॉगिन कर लेंगे यहाँ पे। अब जब आप लॉगिन करेंगे तो स्टार्टिंग में फॉर्म आपको फिलअप करने आएगा यहाँ पे पार्टनर्स डिटेल, तो यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है डीलर्स की, जिस डीलर से आपने मशीन परचेस की है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। अगर आप खुद डीलर हैं तो आप अपने खुद की यहाँ पे डिटेल डाल दीजिए, आपकी कंपनी का नाम, आपका कॉन्टेक्ट पर्सन, मोबाइल नंबर, ये सब डिटेल डाल दीजिए और सेव कर दीजिए। मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आपको यूजर फॉर्म भरना है, मतलब जहाँ पे आप ये मशीन लगा रहे हैं उस कस्टमर का डिटेल यहाँ पे आपको डालना है और इसको सेव कर देंगे, सक्सेसफुल ओके। तो ये आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर को रजिस्टर करना है, तो उसके लिए आप चले जाइए हेल्प कमांड में, यहाँ पर आपको अबाउट स्मार्ट ऑफिस में क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिवेशन कोड दिया गया है, लाइसेंस की ब्लैंक है, डिवाइस अलाउड 0, एम्प्लॉय अलाउड 0, तो यहाँ पर आप एडिट लाइसेंस की कर लीजिए और ये जो एक्टिवेशन कोड है इसको आप कॉपी कर लीजिए, और जिस भी डीलर से आपने मशीन परचेस की है तो उस डीलर को ये लाइसेंस की आप सॉरी ये एक्टिवेशन कोड आप भेज दीजिए, तो डीलर आपको लाइसेंस की प्रोवाइड करेगा, उसका वो लाइसेंस की आपको
यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। अभी मैं एक लाइसेंस की आपको यहाँ पर पेस्ट करके दिखाता हूँ, तो देखते हैं यहाँ पर क्या चेंजेस आता है डिवाइस और एम्प्लॉइज में। तो मैं यहाँ पर लाइसेंस की पेस्ट कर देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। ओके, अभी कुछ चेंजेस हुआ नहीं है, तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर को लॉग ऑफ करके लॉग इन करना पड़ेगा दोबारा। यूजर नेम बायोमैक्स, पासवर्ड बायोमैक्स, इसको लॉग इन कर लेंगे। अब वापस आप दोबारा अगर हेल्प में चेक करेंगे अबाउट स्मार्ट ऑफिस, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लाइसेंस की भी आ गई है और डिवाइस अलाउड भी 10 है और एम्प्लॉइज अलाउड भी 500 है। तो इसे फिलहाल क्लोज कर देते हैं। तो अब डिवाइस हम क्रिएट करेंगे, तो डिवाइस क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे सिलेक्ट बायोमेट्रिक डिवाइस टाइप। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट के सीरीज सिलेक्ट की हुई है। अगर आपके पास बायोमैक्स के पुराने मॉडल्स हैं जो अभी डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, अगर आप वो मॉडल्स यूज़ करते हैं तो आपको के सीरीज सिलेक्ट करनी है। जैसे बायोमैक्स के जो पहले मॉडल्स थे K30, i9C, X990 जो पुराने मॉडल्स थे, तो उसके लिए आपको के सीरीज सिलेक्ट करनी है। और अगर आप बायोमैक्स के नए सीरीज यूज़ कर रहे हैं जो N सीरीज़ है, तो यहाँ पर आपको N सीरीज सिलेक्ट करनी है। अभी फिलहाल मेरे पास नया मॉडल्स है तो मैं N सीरीज सिलेक्ट करता हूँ। N सीरीज सिलेक्ट करने के बाद में हम आएंगे यूटिलिटीज़ में, डिवाइस में। तो यहाँ से हम डिवाइस क्रिएट करेंगे, यहाँ पर आप ऐड न्यू कर लीजिए, डिवाइस नेम आपको डालना है। तो मैं यहाँ पर मॉडल नंबर डाल देता हूँ डिवाइस का, NVM30W। आप यहाँ पर कंपनी का नाम भी डाल सकते हैं, मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा, शॉर्ट नेम भी सेम। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर डालना है, सीरियल नंबर आपको डिवाइस के बॉक्स में मिल जाएगा या डिवाइस के बैक साइड पर भी लिखा होता है, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। फिर डिवाइस डायरेक्शन में यहाँ पे डिफॉल्ट में दिया हुआ है अल्टरनेट इन आउट डिवाइस। तो अब अगर आपके पास एक ही डिवाइस है जो आप इन और आउट दोनों के लिए यूज़ करते हैं तो आपको यही रखना है। लेकिन अगर आप इन के लिए अलग डिवाइस यूज़ करते हैं और आउट के लिए अलग डिवाइस यूज़ करते हैं, तो उस केस में आपको जो इन डिवाइस है उसका यहाँ पर सीरियल नंबर डालना है और यहाँ पर इन डिवाइस सिलेक्ट करना है और सेव कर देना है। फिर दोबारा आपको ऐड न्यू में जाना है, दूसरा डिवाइस क्रिएट करना है, तो और जो आउट डिवाइस है उसका सीरियल नंबर यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपको आउट डिवाइस सिलेक्ट कर देना है। अब दोनों का जो आईपी रहेगा आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो अभी मेरे केस में मैं एक ही डिवाइस है जो इन और आउट दोनों के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अल्टरनेट इन और आउट सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर कनेक्शन टाइप है TCP/IP और USB। अभी मैंने जो डिवाइस वाईफाई के थ्रू कनेक्ट किया है तो मैं TCP/IP सिलेक्ट रखूँगा। डिवाइस लोकेशन डिफॉल्ट ठीक है, डिवाइस टाइप अटेंडेंस रहने दीजिए, IP address आप डाल लीजिए जो डिवाइस में आपने कॉन्फ़िगर किया है और उसको टेस्ट कनेक्शन कर लेंगे। तो डिवाइस कनेक्टेड सक्सेसफुली, ओके, इसको सेव कर देंगे। ओके, तो ये हमारा डिवाइस क्रिएट हो गया है। अब हमें डिवाइस से सॉफ्टवेयर में डेटा डाउनलोड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर डिवाइस सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड लॉक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, उसको क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आप डाउनलोडिंग कंप्लीटेड हो गया है, डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरह हमने डिवाइस से सॉफ्टवेयर में डेटा डाउनलोड कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर आ जाएंगे मास्टर में, तो आपको जो भी सेटिंग है सब मास्टर में ही करनी है, जैसे कंपनी, डिपार्टमेंट, कैटेगरी, शिफ्ट, एम्प्लॉयज, सब सेटिंग जो है आपके मास्टर में ही है। तो पहले हम कंपनी ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर एक डिफॉल्ट कंपनी बनी हुई है, आप चाहे तो इसको भी रख सकते हैं या इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट कर लेंगे। यहाँ पे आप डिफॉल्ट कंपनी नेम आपकी कंपनी का नाम डाल दीजिए, शॉर्ट नेम में भी कंपनी का नाम कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पर आपकी कंपनी का लोगो है तो आप लोगो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और फिर अपडेट कर देंगे, ये कंपनी सेव सक्सेसफुली। अब ऐसे ही आप और भी कंपनी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, सेम ऐड न्यू में जाना है, कंपनी नेम, शॉर्ट नेम, ईमेल आईडी और ऐड कर देना है। फिर हम जाएंगे डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर आप मल्टीपल डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक डिफॉल्ट डिपार्टमेंट बना हुआ है तो मैं उसको एडिट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं डाल दूँगा अकाउंट्स, उसे कॉपी कर लेंगे, शॉर्ट नेम में भी अकाउंट डाल देंगे, अपडेट, ओके। अब ऐसे अगर आपको नया डिपार्टमेंट बनाना है तो ऐड न्यू में जाना है, जैसे सेल्स एक डिपार्टमेंट बना लेंगे, कॉपी किया, शॉर्ट नेम में पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, ओके। तो ऐसे ही आप एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, तो क्लोज कर देंगे। फिर मास्टर में आ जाएंगे कैटेगरी में,
फिर अगेन कैटेगरी भी आप मल्टीपल कैटेगरी बना सकते हो। यहाँ पर एक डिफॉल्ट कैटेगरी दिया गया है, मैं उसको एडिट करके दिखाता हूँ आपको क्या क्या सेटिंग होती है। यहाँ पर एडिट कर लेंगे, यहाँ पर ओटी फार्मूला है, अगर वहाँ पर आपके यहाँ पर ओटी है तो ओटी फार्मूला आपको यहाँ से असाइन करना है, ओटी नहीं है तो आप ओटी नॉट एप्लीकेबल डाल दीजिए, अगर है तो जो भी आपकी कंडीशन है तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए, पंच आउट माइनस शिफ्ट एंड टाइम। तो जब आप एम्प्लॉय पंच आउट करेगा उसमें से वो शिफ्ट एंड टाइम और पंच आउट के बीच में जो डिफरेंस है वो एज ओ ओटी काउंट कर लेगा। तो ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया है, तो जो भी आपके यहाँ पर सुटेबल है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम ओटी और मैक्सिमम ओटी ये आपको सिलेक्ट करना है। मिनिमम ओटी इसलिए से अगर मैं डालता हूँ 30 मिनट्स और मैक्सिमम ओटी डालता हूँ 240 मिनट्स, तो इन केस में होगा क्या कि 30 मिनट्स के अंदर अगर किसी का ओटी है तो वो कंसिडर नहीं करेगा, और अगर 240 से ज़्यादा ओटी है तो भी कंसिडर नहीं करेगा। मतलब मैक्सिमम आप 4 घंटे की ओटी कर सकते हैं और मिनिमम आपको 30 मिनट्स का ओटी तो करना ही है, 30 मिनट के अंदर तो वो ओटी में काउंट नहीं करेगा। फिर यहाँ पर आ जाइए वीकली ऑफ, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ पे एक ही वीकली ऑफ है तो वीकली ऑफ 2 को निकाल दीजिए और वीकली ऑफ 1 को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, संडे है तो संडे या जो भी डे है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हाफ डे, कंसिडर हाफ डे इफ वर्क लेस देन, यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ 160 मिनट्स तो मतलब 2 घंटे से कम काम किया है तो हाफ डे कंसिडर करेगा। सेम कंडीशन है यहाँ पर एबसेंट के लिए, अगर मैं 60 मिनट डाल दूंगा तो 1 घंटे से कम काम किया तो एबसेंट कंसिडर करेगा। तो ऐसे काफ़ी सेटिंग्स है इसमें। मैंने दोस्तों कैटेगरी के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने कैटेगरी को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बेसिक सेटिंग बता रहा हूँ कैटेगरी में क्या क्या आपको सेटिंग्स करनी है, और डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप मेरे जो कैटेगरी की जो मैंने वीडियो बनाई है उसको देख लीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा या ऊपर आई बटन में भी मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो ये जो बेसिक सेटिंग्स है कैटेगरी की ये हो गई, यहाँ पे इसको आप अपडेट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो ऐसे आप अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं, अलग अलग एम्प्लॉयज के लिए या अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आप अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हैं। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर वापस हम आएंगे मास्टर में शिफ्ट में। शिफ्ट में एक डिफॉल्ट शिफ्ट यहाँ पर जनरल शिफ्ट बनी हुई है 9 to 6:30, हम इसको एडिट कर लेंगे। यहाँ पर आप नाम एडिट नहीं कर पाएंगे, आपको टाइम एडिट कर सकते हैं, जैसे 9 से लेके सपोज मेरे शिफ्ट 6 बजे तक खत्म होती है तो 9 to 6 में डाल दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पंच बिगिन बिफोर, पंच एंड आफ्टर और गेस्ट टाइम, ये 3 चीज़ें हैं। पंच बिगिन बिफोर में अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे लेसे 120 मिनट्स, तो जैसे 9 बजे की शिफ्ट है तो 120 में 2 घंटे पहले मैं पंच कर सकता हूँ, तो दैट मीन 7 बजे तक मैं पंच कर सकता हूँ, 7 से बाद में मैं पंच कर सकता हूँ, 7 के पहले मैं पंच नहीं कर सकता। वैसे पंच एंड आफ्टर है, 6 बजे मेरी शिफ्ट खत्म होती है, मैं यहाँ पर अगर डाल देता हूँ 240 मिनट्स, तो मतलब 6 से लेकर 4 घंटा और एक्स्ट्रा मैं रुक सकता हूँ, जैसे 10 बजे तक मैं रुक सकता हूँ, 10 के बाद अगर मैंने पंच किया तो वो रिपोर्ट में शो नहीं करेगा, तो मुझे 4 घंटे के पहले ही पंच आउट करना। ग्रेस टाइम, यहाँ पर मैं अगर 10 मिनट डाल देता हूँ तो जैसे मेरी शिफ्ट 9 बजे शुरू होती है और मैं 9:10 तक अगर पंच करता हूँ तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जैसे मैं 9:11 को पंच किया तो मेरे 11 मिनट लेट दिखाएगा सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे ये सब बेसिक सेटिंग्स है। अगेन अगर शिफ्ट का आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो मैंने शिफ्ट के लिए अलग से ही एक वीडियो बनाई हुई है डिटेल में, जिसमें मैंने शिफ्ट का पूरा कवर किया, उसमें क्या क्या ऑप्शन, अलग अलग क्या क्या उसमें ऑप्शन है, उनके उनसे क्या क्या चेंजेस आते हैं आपके शिफ्ट में, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या यहाँ ऊपर आई बटन में भी आप देख सकते हैं। तो शिफ्ट में ये बेसिक सेटिंग्स है और इसको मैं अपडेट कर लूँगा। तो यहाँ पर आप एन नंबर ऑफ शिफ्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे जनरल शिफ्ट हो गए, फिर फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, मैं एक और शिफ्ट यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, जैसे यहाँ पर मैंने बना दिया है सेकेंड शिफ्ट, नाम डाल दिया है इसको, शॉर्ट नेम कोड में भी वही पेश कर देंगे। अब जैसे सेकेंड शिफ्ट मेरी होती है दोपहर को चालू होती है 1 बजे और ये रात को 9 बजे ख़त्म होती है, तो यहाँ पर आप वही कंडीशन डाल दीजिए, 120 मिनट पहले आ सकता है, 240 मिनट बाद में पंच कर सकता है और ग्रेस टाइम 10 मिनट, इसको भी सेव कर देंगे। तो ये आपकी यहाँ पे 2 शिफ्ट क्रिएट हो गई है, ऐसे आप 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट जितना चाहे क्रिएट कर सकते हैं।
इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब आ जाइए आप मास्टर में पब्लिक हॉलीडेज में। पब्लिक हॉलीडेज में जो भी आपकी पेड हॉलीडेज है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। हॉलीडे नेम डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए और डिस्क्रिप्शन, और सेव कर दीजिए। ऐसे आप जितने भी आपके हॉलीडेज है वो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो होगा क्या कि हॉलीडेज के दिन जब एम्प्लॉय नहीं आएगा तो रिपोर्ट में आपको वहाँ पर एब्सेंट नहीं दिखाएगा, वो वहाँ पर हॉलीडे करके वो शो करेगा। इसको क्लोज कर देते हैं। अब मास्टर में आ जाएंगे हम एम्प्लॉयज में। एम्प्लॉयज में ये हमने जो डाउनलोड किया था डेटा मशीन से सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पर वो तीन एम्प्लॉयज डाउनलोड हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम की जगह पे भी नंबर आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर उनका नाम डालना है। तो उसके लिए मैं जैसा एक नंबर इसको उस पर कर्सर लेकर जाकर उसको डबल क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं नाम डाल दूंगा जैसे मिस्टर अजय। तो यहाँ पर मेल फीमेल आप सिलेक्ट कर लीजिए। जो बेसिक सेटिंग है मैं वो यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, बाद अदरवाइज सेटिंग तो काफ़ी यहाँ पर अदर डिटेल्स में आप उनका पूरा डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ पे उनको रिपोर्टिंग मैनेजर असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल बेसिक सेटिंग आपको बता रहा हूँ, अपडेट कर देंगे। ओके, फिर ये सेम वैसे ही सेकेंड नंबर एम्प्लॉय को डबल क्लिक करेंगे, इसका नाम डाल दीजिए मिस्टर संजय और इसको अपडेट कर देंगे। ये आपके एम्प्लॉयज़ के अपने आप ही नाम ऐड कर दिए हैं। अब अगर यहाँ पे तो चलो अभी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम है, लेकिन अगर आपके यहाँ पे नंबर एम्प्लॉयज ज़्यादा है, जैसे 200-300 के ऊपर एम्प्लॉयज हैं, तो अगर आप मैनुअली इस तरह एंट्री करते जाएं तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो उसके लिए आप एक्सेल के थ्रू सॉफ्टवेयर में यूज़र इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाई हुई है, डिटेल वीडियो है उसमें कि एम्प्लॉयज़ को एक्सेल के थ्रू किस तरह इंपोर्ट किया जाता है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो अब मास्टर में जाएंगे, मास्टर में एम्प्लॉय शिफ्ट में जाएंगे। एम्प्लॉय शिफ्ट में जो हमने पिछले शिफ्ट में जो हमने अलग अलग शिफ्ट बनाई है, दो शिफ्ट बनाई है, तो वो दो शिफ्ट किस एम्प्लॉय को देनी है वो हम यहाँ पर असाइन करेंगे। तो उसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पर असाइन एम्प्लॉय शिफ्ट। यहाँ से आप डेट सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे एक तारीख से लेके कंटिन्यू करना है आपको, और एक नंबर एम्प्लॉय को आपको जनरलशिप देनी है। यहाँ पे सिलेक्ट करके आप असाइन कर देंगे। ओके, अब आपको दो और तीन नंबर को सेकेंड शिफ्ट देनी है। तो एक को आप अनचेक कर दीजिए और दो और तीन को चेक कर दीजिए और यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट सिलेक्ट करके असाइन शिफ्ट कर दीजिए। ओके कर दीजिए, एक क्लोज कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय कोड 1 जनरल शिफ्ट, एम्प्लॉय कोड 2 और 3 सेकेंड शिफ्ट। तो इस तरह आप एम्प्लॉयज को मैनुअल शिफ्ट असाइन कर सकते हैं। शिफ्ट के लिए भी मैंने एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाई है, ये तो मैनुअल शिफ्ट हो गया, अब इसमें ऑटो शिफ्ट भी आता है, शिफ्ट ग्रुपिंग्स आती है, उनको कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे असाइन करते हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो है। क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में इस सब डिटेल बताना चाहूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उसका डिटेल वीडियो का भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कंपनीज क्रिएट कर ली है, डिपार्टमेंट क्रिएट कर लिया है, कैटेगरी में हमने चेंजेस कर लिए हैं, शिफ्ट भी हमने बना ली है, एम्प्लॉयज़ भी हमने नाम डाल दिए हैं, एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट भी असाइन कर दी है, डेटा हमने यूटिलिटी डिवाइस में जाकर हमने डेटा भी डाउनलोड कर लिया है। अब हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो रिपोर्ट के लिए हमें जाना है रिपोर्ट्स में। सबसे पहले हम करेंगे रीकैलकुलेट अटेंडेंस। यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट कर लीजिए फ्रॉम और टू और यहाँ पर रीकैलकुलेट कर दीजिए। दोस्तों जब भी आप रिपोर्ट जनरेट करें तो सबसे पहले आप रीकैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। अब आप रिपोर्ट में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली रिपोर्ट है, डेली रिपोर्ट में इतने सारे रिपोर्ट्स हैं, जो मंथली रिपोर्ट्स हैं उसमें भी इतने रिपोर्ट्स हैं। तो जो एक कॉमन रिपोर्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, मंथली रिपोर्ट में डिटेल रिपोर्ट। यहाँ पर आप डेट सिलेक्ट कर लीजिए फ्रॉम और टू। यहाँ पर फिल्टर एम्प्लॉय करना है आपको, पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय का देखना है तो एम्प्लॉय कोड डाल के एग्जैक्ट को क्लिक कीजिए तो पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय का आपको रिपोर्ट दिखाई देगा। या अगर आपको कंपनी वाइज करना है रिपोर्ट, डिपार्टमेंट वाइज, कैटेगरी वाइज, तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो फिलहाल मैं कुछ सिलेक्ट नहीं करता हूँ, एक कॉमन रिपोर्ट निकालता हूँ जिसमें सारे एम्प्लॉयज के आ जाएंगे। तो इसको अनचेक रखेंगे और जनरेट कर देंगे। तो
दोस्तों ये आपकी रिपोर्ट जनरेट होगी सॉफ्टवेयर की, डिटेल रिपोर्ट है ये। यहाँ पर आपको डेज दिखाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पर आपको वेंडर जो भी डे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय कोड है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में आपको पूरे मंथ की समरी दिखाई गई है कि मंथ में टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज कितने हैं, टोटल एबसेंट कितने हैं, लीव्स कितने लिए हैं, वीकली ऑफ्स कितने हैं, टोटल ड्यूरेशन, टोटल ओवर टाइम कितना हुआ है मंथ में, लेट बाय आवर्स कितने आए हैं, जल्दी कितने जल्दी गए हैं, वो सब आपको यहाँ पर समरी दिखाई देगी। फिर हम यहाँ पे आते हैं ये रिपोर्ट में शिफ्ट, पहले आपको शिफ्ट दिखाई देगी एम्प्लॉय कौन से शिफ्ट में था, फिर यहाँ पर इन टाइम आएगा, यहाँ पर आउट टाइम, यहाँ पर लेट बाय, तो अगर लेट आया तो लेट बाय, जल्दी गया तो अर्ली बाय, यहाँ पे टोटल ओटी, उसने एक्स्ट्रास कितने काम किए यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन आपका इन टाइम और आउट टाइम का जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे आपको आ जाएगा, टोटल 8 hours या 10 hours जो वर्किंग आवर्स है। फिर टोटल ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन में आपको ड्यूरेशन प्लस ओटी ये ऐड करके आपको टोटल ड्यूरेशन में आ जाएगा, और स्टेटस में आपको स्टेटस दिखा देगा, अगर एबसेंट है या वीकली ऑफ है, प्रेजेंट है तो पी आएगा, हाफ डे तो 1/2 हाफ करके आ जाएगा, इस तरह दिखाएगा। तो ये आपकी शीट है अटेंडेंस की, इसको आप यहाँ से अगर सेकंड पेज है तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज कर सकते हैं और सेकंड पेज पर जा सकते हैं। अब अगर आपको ये शीट जो है सेव करनी है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट एज अ PDF में कर देता हूँ, आप एक्सेल PDF वर्ड तीनों फॉर्म में ले सकते हैं। यहाँ पर मैं पाथ दे दूंगा कहाँ पे मुझे सेव करना है, सी ड्राइव, डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप में कर लेता हूँ मैं अभी फिलहाल दिखाने के लिए, यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो ये फाइल जो है मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है, तो हम देखते हैं डेस्कटॉप में फाइल को ओपन करते हैं, ये सब क्लोज कर देंगे, सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी मंथली डिटेल रिपोर्ट एक आ गई है, तो इसको ओपन करेंगे। तो दोस्तों ये है मेरी PDF फाइल मंथली डिटेल रिपोर्ट की, तो यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं या आपको मेल करना है तो मेल भी कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक पॉइंट्स कवर किए हैं। अगर आपको डिटेल्स में जानना है शिफ्ट के बारे में, कैटेगरीज के बारे में और एम्प्लॉयज सेटिंग्स के बारे में, तो हमारी और भी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है इन सब पॉइंट्स को लेकर, तो उसका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियोज़ को भी रेफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आने वाले अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।